Good morning students, myself Homik Patel from Swaminarayan Padma Gurukul, Jai Sri Swaminarayan. Today we will continue our chapter 9 of class science, English medium. Chapter 9, force and laws of motion. In previous video, we have studied Newton's three laws of motion. Also, we have derived different formula. And in last video, we have studied mathematical formulation of second law of motion. That is, हमने second law of motion, that is F बराबर ma पढ़ा था. उसके बाद third law के बारे में, third law के बारे में study किया था. उसके बाद conservation of momentum में हम formula पढ़े थे कि भाई टकराने से पहले का momentum equal to टकराने के बाद का, मतलब collision. मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का उसका हमने फॉर्मूला भी तैयार किया था. अब उसके बेस्ड यहाँ पे एग्जांपल्स है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. एग्जांपल 9.6 तो एग्जांपल 9.6 अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मतलब बुलेट को हम एम लेते हैं मतलब एक हम बुलेट लेते हैं और फायर द वेलोसिटी फ्रॉम अ पिस्टल तो हम ऑब्जेक्ट बी को पिस्टल बोलते हैं. बंदूक बंदूक को हमने बी दिया और गोली को ए दिया और ए ऑप्शन यहाँ पे 20 ग्राम है. मस्ट बी कन्वर्टेड टू केजी डिवाइड बाय 1000 0.02 केजी. Horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. सबसे पहले bullet and pistol का velocity initial velocity u a 0 meter per second. यहाँ पे हम इसका लिखेंगे साथ में नीचे मतलब यहाँ पे लिखेंगे m b. वो अभी कितना दिया है pistol का weight 2 kg दिया है. उसका भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो आएगा क्योंकि बंदूक एंड गोली चलाने से पहले तो जीरो जीरो नहीं होते ठीक है मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है. यहाँ पे गोली का फाइनल वेलोसिटी लिखा है 150 मीटर पर सेकंड मतलब बी ए 150 मीटर पर सेकंड लिखा है. हमें बोला गया है कि व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी मतलब पीछे की तरफ आएगी न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से गोली आगे चलेगी पिस्तौल पीछे की तरफ धक्का दे दिए हमें सब पता है ऐसा तो ठीक है. इसका मतलब हमें डीवी ढूंढना है ठीक है. तो फॉर्मूला है एम ए यू ए प्लस एम बी यू डी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू डी हमें ये ढूंढना है ठीक है. सब चीज़ें रखते हैं एम ए 0.0 दिया है ब्रैकेट में यू ए 0 है एम बी 2 है यू बी 0 है ठीक है. एम ए अगेन 0.02 एंड वी ए दिया है 150 डाला है प्लस एम बी 2 के जी दिया है एंड वी बी जो ढूंढना है रखा है ये 0 ये भी 0 मतलब 0 प्लस 0 0 आया 0 इक्वल टू 150 into 2 मतलब 300 दो पॉइंट बैठा मतलब 3 बचा है 3 प्लस 2 ली 2 ली इक्वल टू 3 माइनस 3 ली इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब ये है कि पिस्टल पीछे की तरफ जाएगी ना समझ आ रहा है जैसे गोली आगे जाएगी पर गोली इस तरफ जाएगी तो पिस्टल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन मोशन करेगा इसीलिए यहाँ पे पिस्टल का वेलोसिटी नेगेटिव में आया. तो ये हमने मोमेंटम का फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये हमने एग्जांपल सॉल्व किया है. ऐसे ही एग्जांपल आगे है नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं यही फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें करना है. सो हम करेंगे फॉर्मूला लिख के रखिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है. आगे है अ गर्ल एग्जांपल 9.7
अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, गर्ल है एंड एक स्टेशनरी कार्ड, कार्ड आता ना बुक में दिया है वो आता ना, तो वी वी वाला ठीक है, स्केटबोर्ड ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक को गर्ल लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को, और वी को वो जो कार्ड है ना, वो कार्ड मतलब वो पहिए वाला टेक्स्ट बुक में भी दिखाया है मेरा लड़के से जा रही है, पर वो क्या करेगी, वो स्केट जा रहा है वो दौड़ के उसके ऊपर चढ़ेगी। तो आप एक चीज याद रखना कि स्केट का फाइनल वेलोसिटी एंड वो गर्ल का फाइनल वेलोसिटी सेम होगा। आप बाइक पे जा रहे हो तो बाइक का वेलोसिटी आपका वेलोसिटी सेम ही हुआ ना, क्योंकि आप बाइक पे बैठे हो, समझ रहे हो। तो उसके ऊपर आने के बाद गर्ल का फाइनल वेलोसिटी एंड स्केटबोर्ड का जो है कार्ड उसका वेलोसिटी सेम आएगा, सिंपल फाइनल वेलोसिटी। और गर्ल ऑफ मास 40 kg, जंप्स विथ अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5% इन टू स्टेशनरी कार, तो उसका यहां पे यू ए दिया है 5% स्पीड से वो जा रही है दौड़ रही है। स्टेशनरी कार, कार स्टेशनरी है बट यहां पे यू ई 0 आएगा, कार रुका हुआ और ऐसे उसके ऊपर छलांग लगा रही है। फ्रिक्शनलेस व्हील्स द मास ऑफ कार इज 3 kg, अच्छा गर्ल का वेट हो गया, अब यहाँ पे एम बी 3 kg, कार का वेट दिया है 3 kg, यहाँ सब दिया है। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार स्टार्ट्स मूविंग, अज्यूम दैट द शटर ऑफ द बैलेंस फोर्स, ठीक है सब डेटा हमारे पास, मैंने बोला ना आपको ये बी ए एंड बी बी दोनों सेम ही रहेगा, क्यों तो दोनों का सेम ही आने वाला है, तो यहाँ पे काम बी बी कर देते या तो ए रखेंगे, क्योंकि बोर्ड के ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ये बोर्ड कभी चढ़ गई ना, तो गर्ल का वेलोसिटी कार्ड का वेलोसिटी सेम ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर है। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल के ऊपर आपका वेलोसिटी सेम रहेगा। एम ओटी यू ए बाय एम बी 3 यू बी 0 एम ए 40 वी बी तो जुड़ना है एम बी 3 एंड वी बी ये 200 ये तो 0 हो जाएगा, तो कार का इसमें भी कॉमन निकाल देंगे तो बी इक्वल टू 200 नीचे 40 प्लस 43 का टेबल चलाना पड़ेगा, ओके तो 200 को 43 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा, वो आएगा कुछ 4.65 मीटर सेकेंड। यहाँ पर देख रहे हो स्केटबोर्ड एंड गर्ल दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दूसरे ऊपर सवार है, इसीलिए स्केटबोर्ड का वेलोसिटी एंड गर्ल का वेलोसिटी सेम आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी ऑफ गर्ल एंड कार इज 4.65 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे ये चीज खत्म होती है, यहाँ पे हमारा होगा एक लास्ट एग्जांपल बचता है। तो हम देख लेते हैं ये फॉर्मूला अभी भी काम आएगा, यही फॉर्मूला से हमें आगे का एग्जांपल भी सॉल्व करना है। 9.8 टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम, यहाँ दिखाया है दूसरे टीम का एक प्लेयर है वो दोनों टकरा जाता है, टीम वाई ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल, हॉकी बॉल को लेने के लिए वो टकरा जाते हैं और फिर वो मतलब वन हैज अ मास ऑफ 60 kg, चलो यहाँ पे ग्रीन वाला प्लेयर और ब्लू वाला प्लेयर एक काम करते हैं, ये जो ग्रीन वाला है हम इसको ए ले लेते हैं, जो ब्लू वाला है इंडिया प्लेयर लग रहा है और वो पाकिस्तान प्लेयर लग रहा है तो उसको बी ले लेते हैं, ठीक है। अब पहले का मास है 60 kg, एम ए 60 kg एंड वॉज मूविंग विद वेलोसिटी 5, तो यू ए 5 मीटर पर सेकंड, वही अदर हैज अ मास 55 kg, तो एम बी 55 kg एंड मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, यू बी यहाँ पे आपको माइनस
अपोजिट साइड से आ रहे हैं, इसीलिए समझ रहे हो, इसको प्लस लो इसको माइनस, इसी को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक प्लेयर ए जा रहा है एक प्लेयर उस उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये हो गया, अब टुवर्ड्स फर्स्ट ऑफ द डायरेक्शन, अब उन दोनों टकराव के बाद कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे क्या होगा देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम आएगी, इसमें भी ऐसा ही है, दोनों टकराने के बाद ठीक है कोई एक डायरेक्शन में जाएंगे एम सेम वेलोसिटी से जाएंगे। ठीक है, तो आगे जो बल वाला हुआ था जिसका मिनट।